अब लॉन्ड्री के पुराने तरीके को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री, जहां आपको स्टीम आयरन, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन के साथ साथ कस्टमाइज सर्विस भी मिलेगी। साथ ही पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। इनके मोबाइल ऐप से आप आसानी से सर्विस बुक कर सकते हैं। आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप, बागे फिरदौस, भिवंडी। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता जिजाऊ संस्था में हुए शामिल। आज दोपहर भिवंडी शहर में जिजाऊ संस्था के नीलेश हमरे के ऑफिस में एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां कांग्रेस और एनसीपी के कुछ वरिष्ठ नेता और एनसीपी की महिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी के जरिए एनसीपी अजीत पवार गुट की कई महिला अध्यक्ष को जिजाऊ संगठन में शामिल किया गया। पार्टी के नेताओं ने नीलेश सांबरे के काम को देखते हुए ये फैसला लिया। जिस तरह जिजाऊ संस्था ग्रामीण और शहर में अपने काम से लोगों का दिल जीत रही है, उसी संस्था ने कई नेताओं का भी दिल जीत लिया है। इसी वजह से पहले एनसीपी की महिलाएं और अब कांग्रेस के नेता भी जिजाऊ संगठन में शामिल हो गए हैं। और इस बारे में नीलेश सांबरे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं मतदान के, ऐसे ऐसे में जिजाऊ संगठन जो है मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आज हमने देखा कि तीन अलग अलग पार्टियों ने आपके जिजाऊ संगठन के जो है दामन थामते हुए दिखाई दिए, क्या कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो लोग आप पर विश्वास जता रहे हैं उस पर? हम पहले से ही बोल रहे हैं, जिसको किसी को जिजाऊ का कार्य मालूम है और जिसको किसी को हृदय हार्ट है, वो सब जिजाऊ में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन कौन से पक्ष ने, कौन से पार्टी ने हॉस्पिटल रेडी किया है, कौन से पार्टी को ये चाहिए क्या अपने बच्चे जैसे पढ़ते हैं वैसे ही गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए अच्छा सीबीएसई स्कूल खोलना चाहिए? किसको लगता है कि मेरे बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं राजकीय पक्ष के लोगों के, तो गरीबों के बच्चा जिनको माँ बाप ने उनके भी बच्चे पढ़ना चाहिए? किसको लगता है कि मेरे बीबी को ब्यूटी पार्लर के जाने के लिए 10,000 रुपये, लेकिन गरीब के ब्यूटी जो लड़की है या दीदी है उसको ब्यूटी पार्लर का बिजनेस सिखा के उसको 2 पैसा कमाने का है? अभी तक किसी ने वो काम किया नहीं। सब पार्टियां, सब पक्ष, अभी कांग्रेस के लोग अपने में शामिल हो गए, एनसीपी के हो गए, भाजपा के हो गए, सब पार्टी के हो गए, और 20 दिन बचे, बहुत पार्टी के बड़े बड़े लोग इस पर संगठन में आ जाएंगे, जिन्होंने पूरा लाइफ निकाला है, किसी किसी पक्ष में बहुत केसेस नाम पे ले, उनको मालूम है अभी कायदा बनाने वाले हम पैदा कर रहे हैं क्या, जिसको माँ बाप नहीं वो लड़का आईपीएस ऑफिसर बन गया उम्र के 25 साल में, अभी न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश बनाने का काम अपने संस्था कर रही, अपने संस्था आईआईटी में बच्चे जाना चाहिए वैसा काम करे, परसों ही जेई का रिजल्ट लग गया तो झड़पोली जैसे रूरल एरिया में 99% जेई का रिजल्ट आ गया, टॉपर आ गया, तो ये काम आपने जिजाऊ का, नीट के रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें भी 10-15 बच्चे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, ऐसी व्यवस्था हमने की। स्पर्धा परीक्षा का रिजल्ट में आप तो देखते हो साल में हजारों बच्चे गवर्नमेंट जॉब में पुलिस कॉन्स्टेबल से लेके यूपीएससी तक अपने यहाँ से जाते, और समाज का विश्वास है। आज भिवंडी में एक हॉस्पिटल है जिजाऊ का खुला है, कल्याण में 2 खुला है, भिवंडी में और 49 क्लिनिक हम आरोग्य क्लिनिक खोलेंगे कि जहाँ पे दवाई से लेके सब मुफ्त में रहेगा। हमारे दीदियों के लिए खुशखबरी ये है कि हम महिलाओं का पहला स्कूल भिवंडी में 2 स्कूल कर रहे हैं, एक यहाँ पे, एक कोन में, कि जहाँ पे ओनली महिलाओं पहली से लेके जूनियर के जी से लेके पीजी तक लेडीज ही पढ़ेंगी और उनके टीचर ही लेडीज रहेंगे, ऐसा देश में पहला संस्था करेगा जिसमें मुफ्त में शिक्षण दिया जाएगा। 10 सीबीएसई स्कूल हम भिवंडी के लिए दे रहे, हर झोपड़पट्टी में हम कोचिंग क्लासेस दे रहे, ऐसा व्यवस्था हम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है। हमने किया है, हम क्या करेंगे नहीं तो हमारा हॉस्पिटल एक दावे के साथ बोल सकते हैं कि लीलावती जैसा अपना ऑपरेशन थिएटर है। भिवंडी के मतदार संघ के दररोज 50 के ऊपर लोग वहां पे आके उनके ऑपरेशन होते, ऐसी व्यवस्था हमने की। अमृत साहब, ये जो था ये सब पूरा मामला है, ये आपके सोशल एक्टिविटी है जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में, देखा जाए आगामी लोकसभा का चुनाव है, और अगर लोकसभा अगर सांसद के रूप में आप चुनकर जाते हैं
शहर में विकास के दृष्टिकोण से आपका चुनावी एजेंडा क्या है? विकास की दृष्टि से पहली बात, सूरत जैसा टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे फिर लूम्स चालू होगी, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। हम आईजीएम हॉस्पिटल, हमारा ऑफिस रेस्ट हाउस नहीं रहेगा, हमारा ऑफिस आईजीएम के बाहर रहेंगे। आए हुए लोगों की सेवा करना, अच्छा तरह से आईजीएम चलना चाहिए। यहाँ के जो स्कूल है वो स्कूल का विजिट रहेगा, बच्चे अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने चलना चाहिए। यहाँ पे भिवंडी शहर में या भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में अच्छे तरह से आईटी पार्क आएंगे, खाली गोडाउन में काम करने वाले, ग्रेजुएट होकर गोडाउन में काम करने वाले नहीं रहेंगे। तो जो आईटी हुआ है या अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर से उनको यहाँ पे नौकरी उपलब्ध होगी, ऐसी व्यवस्था करेंगे। एमएमआईडी वाडा तक जाएगा, शाहपुर तक जाएगा, मुरबाड़ तक है, वहां तक मेट्रो का प्रयोजन किया जाएगा। जो मुरबाड़ रेलवे है वो मुरबाड़ रेलवे 5 साल में शुरू हो गया, ऐसा हम व्यवस्था करेंगे। हम पीने का पानी का व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए सब लोग खुशहाली जो बोलते हैं 24 तक हम सब लोगों को घर देंगे, वो हम घर देंगे। सरकार कम पड़ेगा तो हम खुद के पैसे से घर देंगे, लेकिन हमारे हर इंसान को अच्छी तरह से घर रहना चाहिए। हम जैसे घूमते, हम जैसे दवा लेते, डॉक्टर के पास जाते, वैसा गरीबों के लिए व्यवस्था रहे। हमारे बच्चे जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ते, अच्छे कोचिंग क्लासेस है, ऐसे गरीबों की व्यवस्था हम करेंगे। भिवंडी में जो 20 साल पहले खुशहाली थी वैसा खुशहाली अगले 5 साल में लाएंगे, ये आपको वादा करता हूँ। भिवंडी वाले जितना गवर्नमेंट रूरल एरिया में या उधर पालघर में या कल्याण में जो रेट से बिजली जाती है वही रेट से बिजली भिवंडी में मिलेगी, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। क्योंकि हम किसी के पास से चंदा लेने वाले नहीं, पीछे से पैसा देने वाले, हम लोगों के लिए सेवा करने वाले। सामने साहब एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से बार बार मैं जब आपसे मुलाकात होती मैं यही सवाल करता हूँ कि लोगों का मानना ऐसा है कि नीलेश सांबरे जो है ये चुनावी मैदान में बैठ जाएंगे, जहां तक की सच्चाई है, क्योंकि जनता के मन में और मतदाताओं के मन में ये सवाल आ रहा है, कहीं ना कहीं वो गुमराह हो रहे हैं, भ्रम में है। मैं पूरा भिवंडी लोकसभा मतदार संघ के पूरे मतदार संघ मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ, और जिन्हें मेरी पहचान है वो ऐसा नहीं बोल सकते। एक कोई दलाल रहते वो दलाल फैला देते है ऐसी बेवजह बड़बड़ करके, किधर ना किधर लेके जाते। हम जो बोलते हैं, हम देश का कानून मानने वाले लोग है, हम देश की राज्य घटना मानने वाला इंसान हूँ। जैसा भारत के राष्ट्रपति महोदय जो बोली वो हो जाता है, वैसा ही मैं बोलता हूँ। मैं इलेक्शन के लिए खड़ा रहा हूँ, कल फॉर्म भर रहा हूँ, और 3 लाख के ऊपर वोट से मैं चुन के आने वाला हूँ। आप 4 तारीख को फिर मेरे को ये सवाल पूछो कि हमने झूठ बोला है सच बोला। 4 जून कल भर रहे हैं, कल छत्र पहला मैं आके शेलार के हनुमान जी का दर्शन ले लूंगा, बाद में राजीव गांधी जी के पुतले को दर्शन ले लूंगा, डॉक्टर महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन ले लूंगा, बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन ले लूंगा, बाद में आते हुए रास्ते में दरगाह है वो दरगाह में दर्शन ले लूंगा, फिर आ जाऊंगा। ये कुछ जुलूस की शक्ल में होगा या किस तरीके से? अभी लोगों का प्यार है भिवंडी वाले का, हम तो हमारे घर से मेरी माँ फादर और दो सिस्टर, इतने ही लोग आने वाले, बाकी लोग आएंगे मतदार संघ से, वो उनका स्वागत है। मैडम ये बताइए कि आज शरद चंद्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी आज जो संस्था में प्रवेश किए, जाहिर प्रवेश किए, इतना उत्साह है और क्या लग रहा है इस बार भिवंडी लोकसभा चुनाव में सामने साथ ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होना? सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते। सब लोग आज दिख रहा है आपको क्या, हर पक्ष को सब उब गए, हर कोई बोलता है मैं ये नहीं करूंगा मैं ये करूंगा, पर कोई कुछ नहीं करता है। ऊपर सब मिलजुट के पब्लिक को हेड़ा बना रहे हैं, और अभी आम आदमी भी पूरा समझ गया है क्या ऊपर का खेल क्या चल रहा है। जो काम करता है उसको पीछे रखते हैं और जो पैसा देता है उसको आगे करते हैं और पूरे अगले 5 साल फिर वही कमाते हैं। तो अभी लोग पूछ रहे हैं कि जो काम करता है उसको हम चुने, उसके बाजू में जाए, जो कुछ करूंगा इसके ऊपर भरोसा ना करते हुए जो किया है वो कान और आँख खुल के वो देख रहे हैं और उसको चुन रहे हैं। ये आपको भी और मुझे भी समझ में आ रहा है कि जनता कहाँ देख रही है। मैडम भिवंडी लोकसभा चुनाव के जो यहाँ की आवाम जनता है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? मैं तमाम जनता को यही कहूंगी, क्या कोई बोलेगा मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, पर माननीय नीलेश जी भगवान सामरे साहब मतलब जिजाऊ विकास पार्टी कह रही है कि हमने 15 सालों में
अगले 15 सालों में 45 यूपीएससी एमपीएससी वाचनालय खोले, 8 सीबीएसई स्कूल खोले, अंधा और मतिमंदा बच्चों का एक स्कूल खोला है, 31 पुलिस एकेडमी खोली है, 130 बेडेड हॉस्पिटल खोला है, जेई नीट का क्लास चला रहे हैं, 25 लाख बुक्स बांट रहे हैं। और इससे भी मतलब हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में जिजाऊ काम कर रही है। और 15 सालों में काम करने के बाद जिजाऊ पहली बार अपने पास एक वोट मांग रही है, तो आप वो जरूर देंगे, नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वसामान्य गरीब जनता का आवाज बन के नीलेश सामरे खड़े हुए हैं, तो आप उनको जरूर चुनेंगे, विश्वास है हमारा। महिलाएं बड़ी तादाद में जिजाऊ के साथ जुड़ रही हैं मैडम जी। हमारे पक्ष का, हमारे संस्था का, हमारे संगठन का नाम ही जिजाऊ है। एकमात्र पक्ष ऐसा है का उसकी लोकसभा प्रमुख लेडीज है, तो लेडीज को पहला प्राधान्य जिजाऊ ने दिया है, क्योंकि अगर जिजाऊ नहीं रहती तो शिवाजी महाराज नहीं रहते। तो इस हिसाब से आज भी देख रहे हैं क्या लेडीज है, उसको 8,000 भी लाए, 10,000 भी लाए, 5,000 भी लाए, तो घर चूल्हा उसी को जलाना पड़ता है। तो अभी वो जाग गई है क्या, टीवी के एड पर वो पागल नहीं बनेगी, अगर वो एक जान को जलम देके उसको खड़ा कर सकती है, तो ये पक्ष भी बहुत छोटी बात है। तो राजकारण का ये बदल रूट बदल देगी, उसकी हिम्मत उस हर लेडीज में है। और अभी लेडीज लोकसभा के चुनाव में आप पहली बार देख रहे होंगे, गांव पाड़े में भी, ग्रामीण में भी जाकर देखिए, लेडीज खुद से निकली है, घर घर में बोल रही है कि हमें अभी सामरे साहब को चुन के लाना है। अपना भाई जो अपना सोचता है, अपने बच्चों का सोचता है, अपने हेल्थ का सोचता है, उसको हमें चुन के लाना है। इस हिसाब से जो चूल्हे के जगह लेडीज थी, वो आज घर छोड़ के बाहर प्रचार के लिए घूम रही है, वो अपनी मर्जी से घूम रही है, तो ये बदलाव आप देख रहे हैं। गोविंद जी क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस में एक अच्छी जिम्मेदारी आपको दी गई थी, अचानक से लोकसभा का चुनाव आते ही आपने पार्टी के पद को, बड़े पद को त्यागा, क्या कारण था, जिजाऊ में क्यों शामिल हुए? मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया प्रतिनिधि को बताना चाहता हूं कि एक जो कांग्रेस की लोकसभा की सीट थी, वो सीट हकीकत में कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी। जो कांग्रेस के ऊपर अन्याय हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव के तहत बाल्या मामा को ये टिकट दिया गया है। आज भिवंडी शहर का पहले से इतिहास है कि लोकसभा की सीट कांग्रेस को देनी चाहिए थी, और हमारे कांग्रेस की तरफ से नीलेश सामरे जी थे उम्मीदवार, जिसके कारण हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अंदर से नाराजी है। हकीकत देखा जाएगा तो नीलेश सामरे साहब जैसे स्वच्छ प्रतिमा के इंसानों को लोकसभा का उम्मीदवार देना चाहिए। इसलिए मेरा वैयक्तिक मत था कि जिजाऊ शिक्षण संस्था श्री नीलेश सामरे जी को समर्थन देना, इसलिए मैं भिवंडी तालुका शहर अध्यक्ष विमुक्त जाति भटके जमाती प्लस हमारी ठाणे ग्रामीण जिला अध्यक्ष रतन गोयल जी, हम सब आज जिजाऊ संस्था में शामिल होके उनके साथ मिलकर काम करके नीलेश सामरे जी के विजय के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारे साथ में जय कुड़ियर माँ महिला मंडल के सदस्य भी आए, रुकी समाज के, भिवंडी शहर के, उनका भी समर्थन नीलेश सामरे जी को ही है। लगभग कितने लोग हैं? लगभग हमारे कांग्रेस के, मेरे वीजेएनटी में 3,000 कार्यकर्ता है। क्या कहेंगे, आपने जिस तरह से देखा बहुजन विकास आघाड़ी में आप एक अच्छे पद पर थे और चुनाव आते ही नीलेश सामरे जी का आपने दामन थामा, क्या कारण क्या? देखिए, सबसे पहले मैं सोशल मीडिया और मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि चुनाव से मतलब नहीं है, और पार्टी अभी नया नया लड़ना शुरू करी है, और ये पार्टी पहले काम करी है जनता के बीच में, उन्होंने काम को दिखाया है, हॉस्पिटल को लेके बहुत से मुद्दे उन्होंने हल किया है लगातार, तो वो ऐसा लगता है कि इस पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए, और ये सोच के हम इसका सपोर्ट करने आए हैं। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बात कहूँगा, ना तीर चलेगी ना तलवार चलेगी, सच्चाई की जीत होगी और संसद में सिर्फ सर की आवाज़ चलेगी।